मैंने जर्मनी में कुछ नौजवानों को देखा, हजरत साहब रोए, हजरत साहब यहाँ आ गए थे वीज़ा लगवाने के लिए, कादियानी बन गए, अपने पासपोर्ट पर लिख बैठे, घर में गुर्बत थी, धोखा दिया गया, अपने पासपोर्ट पे कादियानी लिख के यहाँ का वीज़ा लेके आ गए हैं। अब आके यहाँ तौबा तो की है लेकिन डरते रहते हैं पता नहीं क्या बनेगा। कादियानी नौकरी और छोकरी लड़कियाँ भी पेश करते हैं, लड़कियाँ लड़कों स्टूडेंट जो हैं यूनिवर्सिटियों के उनको उनके पीछे लड़कियाँ लगा देते हैं, नौकरी और छोकरी दे के लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। ये आज की कॉन्फ्रेंस आपको खबरदार करने के लिए, वीज़ा मिल गया, चले एक मिनट के लिए, वीज़ा मिल गया तो जर्मनी में पहुंचना नसीब ही ना हुआ, रास्ते में जहाज क्रश हो गया, फिर क्यों जी, नफे का सौदा किया या नुकसान का? नुकसान का। वहाँ जाके घर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया, मारे गए, तो मुसलमान बन के तो नहीं उठेंगे अब, मारे गए ना हमेशा के लिए, बचे, डरे अल्लाह से, पता नहीं कब। या अल्लाह हमारा हर लम्हा बा ईमान गुजरे, अब कोई एक लम्हा भी हमारे दिल में कोई ऐसी नरमी पैदा ना हो कि हम कभी सोचें भी दुश्मन आने रसूल के साथ दोस्ती का ताल्लुक का दूर दूर तक भी कोई जर्रा भी हमारे दिलों में नहीं आना चाहिए। और आज जो फितना खड़ा हो गया है नया, उसका भी मैंने और आपने मुकाबला करना है इंशाल्लाह। बस सही अकीदा देखें, अगर कोई सही अकीदा सुननी नहीं है तो बैत खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई। कोई बंदा अगर ये सोचे ना मेरा तो पीर है ना जी, तो बैत उसकी ख़त्म हो चुकी। अगर कोई बंदा बद अकीदा है, इमाम है आपका, आला हज़रत ने फरमाया जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत का कायल नहीं है ऐसे इमाम के पीछे नमाज भी जायज़ नहीं है, और ऐसे पीर की बैत भी। इसलिए तो मौला अली का अकीदा ये था, मौला अली के अकीदे से फिरेगा तो मौला अली से क्या रिश्ता बाकी रह जाएगा भी। अल्लाह करीम हमें डटने की खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हमने मेराज शरीफ वाली रात मेराज मुस्तफ़ा व सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस इस दफ़ा रखी है। जिन मस्जिदों में जहाँ जिन महलों में प्रोग्राम होते हैं वो अपने महलों की मस्जिदों में शिरकत करें, और जहाँ मेराज शरीफ वाली रात प्रोग्राम ना हो वो हमारे पास आ जाए, क्यों जी, क्या तो दें।